अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू हमारे स्टूडेंट्स। तो मेरा जो आज का टॉपिक है दैट इज इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट इज रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, तो वो हमने कंप्लीट किया स्कूल में, ठीक है ना, बाय कम्युनिटी क्लास, ठीक है ना। तो आज जो हमारा टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, तो इमेज कैसे बनती है कनकेव मिरर में, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो एक टेबल है उसको हमें कंप्लीट करना है, तो एक एक करके हम इनको देखेंगे, ठीक है ना। तो आज हम देखेंगे पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट है बिटवीन पी एंड एफ, अगर ऑब्जेक्ट है बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, ठीक है ना, तब जाके जो पोजिशन ऑफ इमेज होगी वो होगी बिहाइंड द मिरर, वो इमेज होगी एनलार्ज्ड, वो होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है ना। तो ये कनकेव मिरर में सिर्फ एक सिचुएशन है, ये एक ही केस है कनकेव मिरर में जहाँ पे जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है एंड इरेक्ट बनती है। बाकी जो भी सिचुएशंस है, जो भी केसेस है कनकेव मिरर में, ठीक है ना, तो वहाँ पे जो इमेज होती है, नेचर ऑफ इमेज दैट इज ऑलवेज रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है ना। तो ये एक ही सिचुएशन है जहाँ पे इमेज बनती है वर्चुअल एंड नेचर ऑफ इमेज होती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो हम देखेंगे कि अगर जो है ये हमारे पास बेटा मिरर है, ये हमारे पास मिरर है, अगर यहाँ पे क्या होगा, देखो ये हमारे पास मिरर है, ये है बेटा प्रिंसिपल एक्सिस, ये है बेटा पी पोल है, ये है बेटा एफ, ठीक है ना, तो ये है बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर दैट इज सी। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, अगर ऑब्जेक्ट बेटा यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट ये है ऑब्जेक्ट, इट इज ए बी, ये ऑब्जेक्ट है बेटा, ठीक है ना। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, तो क्या होगा कि यहाँ पे इंस्टेंट लाइट आएगी दैट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमने रूल पढ़ा है कि अगर इंस्टेंट लाइट होगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो रिफ्लेक्टेड लाइट पास हो जाएगी थ्रू द फोकस, रिफ्लेक्टेड लाइट पास हो जाएगी थ्रू द फोकस, ठीक है ना। तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट, अगर हमने ये रूल पढ़ा है, ठीक है ना, अगर इंस्टेंट लाइट पैरेलल होगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्टेड लाइट पास हो जाएगी थ्रू द फोकस, ठीक है ना। तो एक इंस्टेंट लाइट जो यहाँ से गुजरेगी, यहाँ से गुजरेगी इंस्टेंट लाइट जो यहाँ पे पड़ेगी, ठीक है ना, ये 90 डिग्री एंगल बनाती है यहाँ पे मिरर के साथ, तो ये वापस पास हो जाएगी थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वीचर, ठीक है ना। तो ये पास हो जाएगी थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वीचर, ऐसे ये पास हो जाएगी थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वीचर, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो इंस्टेंट लाइट है वो पैरेलल है टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्टेड लाइट पास हो जाएगी थ्रू द फोकस। तो यहाँ पे जो इंस्टेंट लाइट है ये इस मिरर के इस हिस्से पे पड़ेगी, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाएगी मिरर के साथ, तो ये वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसी रास्ते ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसी रास्ते ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। तो इनको हम एक्सटेंड कर सकते हैं बैकवर्ड्स चूंकि, ठीक है ना, तो इसको हम एक्सटेंड करेंगे बैकवर्ड, तो ऐसे इसको हम एक्सटेंड करेंगे बैकवर्ड, तो ऐसे यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखो ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हम देखेंगे, ठीक है ना, तो हमें लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट उस साइड में है, ठीक है ना। तो हमें लगेगा कि ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है ये उस पॉइंट से आ रही है, ठीक है ना। सो दिस पॉइंट जो है यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल मीट नहीं होती है, लेकिन हमें लग रहा है कि ये मीट हुई है यहाँ पॉइंट, इस पॉइंट पे, ठीक है ना। सो दिस यहाँ पे जो है इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट की, जो इमेज होगी दैट इज ए डैश बी डैश, ये इमेज जो होगी यहाँ पे ये है वर्चुअल बेटा, ये वर्चुअल है। सो दिस इमेज इज फॉर्मड बिहाइंड द मिरर, ये इमेज बनती है मिरर के पीछे, ठीक है ना। ये एनलार्ज्ड है, एनलार्ज्ड इमेज है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये वर्चुअल है एंड इरेक्ट है, ठीक है ना, ये वर्चुअल है एंड इरेक्ट है। सो दिस इज फर्स्ट केस अगर ऑब्जेक्ट होगा बिटवीन पी एंड एफ, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे ही हम जो है बाकी जो केसेस देखेंगे तो उनके रिलेटेड जो रे डायग्राम है उसको हम देखेंगे। तो ये था रे डायग्राम केस नंबर फर्स्ट के हवाले से, बिटवीन अगर ऑब्जेक्ट होगा बिटवीन पी एंड एफ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज टॉपिक।